अब जागे या नहीं? आपने कितनी मेहनत से शहद बनाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा शहद लेने की? माफ करना, पर ये इतना स्वादिष्ट है कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। गुस्सा क्यों होती हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद शहद नहीं चुराऊंगा। हाँ, ये मैंने पहले भी सुना है, पर आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आओ साथियों, इस फोटे को सबक सिखाओ। मधुमक्खियाँ आज नाराज लग रही हैं, पता नहीं बलू ने क्या कर दिया। पता नहीं, दूर हटो, मेरे पीछे छोड़ो, बचाओ। पूरा चेहरा सूज गया है। जल्दी से एलेक्स को बुला लाओ बकशॉट। हाँ, अभी जाता हूँ। उन मधुमक्खियों ने बहुत डंक मारा है। चोरी करोगे तो यही हाल होगा। फिक्र मत करो, एलेक्स आती ही होगी। मेरी नाक भी सूज गई है। एलेक्स। हाँ, मुझे बताओ हुआ क्या है ताकि मदद कर सकूं। बलू पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया है। वो जरूर शहद चुरा रहा होगा, पता नहीं। कब वो अपनी गलतियों से सीखेगा। वैसे बक्शॉट, मुझे बताओ, मधुमक्खियों ने डंक भी मारा है? ओ हाँ, बहुत बार। बस तुम थोड़ा रुको, मुझे अपने खास बाम की जरूरत है। बस थोड़ा सा रुको, तुम कहीं मत जाना। तुम्हारी पीठ पर बैठकर चलते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। हिलना मत, ऐसे ही रहो, मुझे छलांग मारनी है। तैयार एलेक्स, चलो चलते हैं, पकड़े रहना। दर्द हो रहा है। वो आ गए। हमसे जितना जल्दी हो सका हम आ गए। शहद चुराओगे तो यही होगा। मुझे पता है ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करता। मुझे शहद पसंद है, मैं खुद को रोक नहीं पाया, मुझसे गलती हो गई। फिक्र की कोई बात नहीं है, मेरे पास तुम्हारी सूजन का अच्छा इलाज है। आराम से एलेक्स। अब तुम्हारी हर गांठ पर एक पट्टी लगानी होगी। ये लो, तुम क्या छोटे बच्चे हो, और कितनी आराम से लगाऊं। ये लो, सब हो गया। अब हाँ, जल्दी पता है मुझे, हरा रंग मेरे लिए अच्छा है। अब अच्छा लग रहा है। अरे तुम अपनी जगह वापस जाओ, मुझे ठीक कौन करेगा। अपने मरीजों की परेशानी पर हंसना अच्छी बात नहीं। मुझे पता है अगर तुम्हें भी मेरी तरह शहद पसंद होता, तुम भी अपने आप को मेरी तरह रोक नहीं पाते उसे खाने से। खुद को बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। हाँ, लालच बुरी बला है, पर बाकी भालुओं की तरह मुझे भी खाना बहुत पसंद है। हाँ, हम ये जानते हैं बलू, तुम अगर नहीं भी बताओ तो तुम्हारा ये बड़ा हुआ शरीर इस बात का गवाह है। तुम्हें बच्चों को कुछ अच्छी बातें सिखानी चाहिए। ये फालतू की बातों से इनका दिमाग खराब मत करो। मैं कोई बुरी बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, अब इतना बुरा मत मानो। इस
इससे तुम्हारी सूजन और बढ़ रही है बलू। माफ करना, मधुमक्खियों का डंक अभी तक चुभ रहा है इसलिए गुस्सा आ गया। हालत सच में बुरी बला है। चलो सिम्बा, मैं तुम्हें आज शिकार करने का पहला सबक सिखाता हूँ। हाँ? वाह! चलता हूँ। अपना ख्याल रखना। फिर मिलेंगे। अरे अरे, तुम्हें क्या हुआ? मैं सिम्बा के लिए खुश हूँ। अब चलो बलू, तालाब तक दौड़ लगाते हैं। चलो सिम्बा, मेरे साथ चलो। हाँ, आ गया। कहीं गुम मत हो जाना। फिर मिलेंगे दोस्तों। अच्छा शिकार करना। सिम्बा, उछलना बंद करो और शांति से मेरे साथ चलो। ठीक है सिम्बा। अब मैं जो तुमसे कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो और हमेशा याद रखो। मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा बगीरा। जब भी तुम बाहर शिकार पर जाओ तुम्हें हमेशा चौकन्ना रहना होगा, समझे? सबसे पहले तुम्हें अपने सूंघने की क्षमता को बढ़ाना होगा, वही तुम्हें शिकार तक लेकर जाएगी। क्या अभी तुम कुछ सूंघ पा रहे हो? देखो, मैं सूंघ सकता हूँ और मुझे लगता है यहाँ कहीं खरगोश है। बहुत अच्छे। लेकिन याद रखना, सूंघने की शक्ति से ही तुम शिकार नहीं कर सकते। मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे शिकार की गंध का पीछा करना होता है। वो देखो, बिखरी हुई पत्तियाँ। हाँ, खरगोशों ने उन्हें कुतर के खा लिया है ना? उनकी गंध का पीछा करो। हम उसके पास हैं। हो रहा बिल में जाने का रास्ता, इंतजार करो। वो खुद ही बाहर आ जाएंगे, तुम्हें बस थोड़ा धीरज रखना होगा। अभी नहीं तो फिर बाद में वो खुद ब खुद बाहर आ जाएंगे। अब बाहर निकलो भी खरगोशों। चलो अब इन खरगोशों को यहीं छोड़ दो। लेकिन क्यों बगीरा? आज तुम्हें बस अलग अलग तरह की गंध को पहचानना सीखना है। बक्सर की गंध है। नहीं, ये हिरन की गंध है। सिम्बा, बक्सर की गंध ऐसी नहीं आती। हर जानवर की अपनी एक गंध होती है और ये किसी बड़े हिरन की गंध है। क्या हम पता लगा सकते हैं कि वो कहाँ है? हाँ? अभी दिन के समय वो और उसके बाकी हिरन साथी तालाब के पास प्रतियोगिता कर रहे हैं। तुमने वो सब यही है? वो इस तरह लड़ क्यों रहे हैं? जो भी इस खेल में जीतेगा वो झुंड के मादा हिरनों का नेता बनेगा। मतलब वो हिरनियों के लिए लड़ रहे हैं? हाँ, यही इनका नियम है। सिर्फ एक ही नर मादा हिरनों का नेता बन सकता है जो ताकतवर होता है। उसके बाद झुंड के सारे सदस्य उस नेता की आज्ञा का पालन करते हैं। देखो, झुंड की सबसे खूबसूरत मादा बड़े ध्यान से सब देख रही है। आगे बढ़ते, अभी बहुत कुछ सीखने को है। अब हम किस जानवर की गंध का पीछा करेंगे? हाँ? हाथी? किसी जानवर का नहीं, अब हम ताजा पानी ढूंढेंगे। ठीक है, मैं ढूंढता हूँ बगीरा। शायद मैंने देखा कि बक्सर मुसीबत में है। शायद ये तुम्हारी छठी इंद्री का इशारा है। छठी? क्या इसका क्या मतलब हुआ? हम इसे आभास भी कहते हैं। समझना थोड़ा मुश्किल है। ये एक ऐसी भावना है जो आपके अंदर की गहराई से आती है।
पर क्योंकि वो सिर्फ एक एहसास होता है तो ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि तुम उस पर विश्वास करो या नहीं। ये बात सच है, अब मैं अपनी छटींद्री पे भरोसा करूँगा, ठीक है? अगर तुम्हें यकीन है तो ठीक है। छटींद्री क्या कहती है? ध्यान से। मुझे उस पर नजर रखनी होगी। नहीं करेंगे। शुक्रिया सिम्बा, तुम ठीक तो हो ना बकशॉट? याद रखना मैं सिर्फ आदेश का पालन कर रहा था। अपने मालिक से कहो एक दिन जब मैं बड़ा हो जाऊंगा उसे सबक सिखा के रहूंगा। जाओ। मैं जाकर उसको बोल दूंगा। सब ठीक हो जाएगा, चलो चलकर एलेक्स को ढूंढ लें, वो हमारी मदद करेगी। शुक्रिया। तुम जरूर महान राजा बनोगे। तुम चल सकते हो ना? हाँ लगता तो है, पर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं मुसीबत में हूँ? मैं बगीरा के साथ शिकार करने की कला सीख रहा था कि अचानक से मुझे आभास हुआ कि तुम्हें मेरी जरूरत है। हाँ? क्या आभास? बगीरा ने छठी इंद्री कहा था, मुझे बस पता था तुम मुसीबत में हो। अब चलो। सच में? की रोशनी में एक छपकी ले लेते हैं। हाँ चलो चलते हैं, शायद नींद लेने से मैं ठीक हो जाऊँ। बहुत दर्द हो रहा है क्या? नहीं मैं ठीक हूँ। अब मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, जमीन पर सो जाओ और सूरज की तरफ देखो। ठीक है ऐसा ही करते हैं। इससे तुम्हें थोड़ा ठीक लगेगा। ये आँखों में चुभ रहा है। हटो यहाँ से, मेरी नाक को कोई छुए मुझे पसंद नहीं। क्या तुम्हें कभी किसी ने बताया नहीं कि सूरज की तरफ सीधा नहीं देखते सिम्बा? ये खतरनाक है, तुम्हारी आंखें जल सकती हैं इससे। मुझे अकेला छोड़ दो, तुम्हारा यह ज्ञान अपने पास रखो और जाओ यहाँ से। जैसे तुम्हारी मर्जी, पर अगर तुम्हारी आंखें जल गई तो तुम ठीक से देख नहीं पाओगे। तुम्हें उसकी बात माननी चाहिए, सूरज को इस तरह से देखना ठीक नहीं है। तुम सो जाओ बकशॉट, मुझे अपने हाल पे छोड़ दो। सूरज
सूरज भाई साहब, बताइए आप इतने गर्म क्यों हैं? मुझे जानना है। तुम कभी भी मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं लगा पाओगे। मेरी गर्मी और शक्तियाँ तुम्हें जला के खाक कर सकती हैं, अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो। विश्वास नहीं होता, मेरी आंखें बंद है फिर भी सूरज दिख रहा है। मेरी शक्तियाँ अनंत है। सिम्बा, सिम्बा, सिम्बा। तुम्हें इस तरह सूरज को घूर के नहीं देखना चाहिए। पर क्यों नहीं, तुम तो उस दिन कह रहे थे सूरज हमारा दोस्त है। हाँ, लेकिन उसे इस तरह घूर के देखना खतरनाक हो सकता है सिम्बा। हाँ, सच में? सूरज जीवन दाता है, उसके बिना धरती का कोई अस्तित्व नहीं है। कोई जानवर नहीं, कोई जीव जंतु नहीं, पेड़ पौधे भी नहीं। तुम्हें उसकी शक्तियों का आदर करना चाहिए। मैं तुम्हें मेरे दोस्त की कहानी सुनाता हूँ, जिसने एक बार सूरज को घूरा था, उसकी आंखें चली गई थी। गरम सूरज, कमाल का सूरज, तुम्हारी शक्तियों के पीछे का क्या राज है? तुम्हारी गर्मी से मेरी त्वचा खिल जाती है। मैं सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, सबकी मदद करता हूँ। हाँ, पर मैं तुम्हारी शक्तियों का राज जानना चाहती हूँ, मुझे बताओ सूरज। मदद करो, मैं अंधी हो गई। तुमने सूरज को चुनौती दी ना? मैं कुछ नहीं देख पा रही। मदद करो। ओ बेचारी, मैं एलेक्स को बुला लाता हूँ, शायद उसके पास कोई इलाज हो इसका। हिलना मत यहाँ से। एलेक्स, एलेक्स। हाँ, क्या हुआ? मेरे साथ चलो, मेरे एक दोस्त को तुम्हारी मदद की जरूरत है। ठीक है। काँ, काँ। ये एलेक्स है, ये तुम्हारी मदद करेगी। ओ, कुछ करो एलेक्स, इसकी आंखें वापस लौटा दो, दया करो। ठीक है, देखते हैं। तुमने इसे ठीक कर दिया तो तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं, पता नहीं ये ठीक हो पाएंगी या नहीं। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा मेरी प्रिय, मैं तुम्हारे लिए हर रोज शिकार करूंगा। शायद इससे कुछ मदद मिले। हिलो मत। उसने सूरज को बहुत देर तक घूर कर देखा है, जिसका भुगतान उसे अपनी आंखें देकर करना पड़ा। ये बहुत बुरा हुआ। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारी आंखें बनूंगा, तुम्हें अपने पास रखूंगा हमेशा प्रिय, तुम फिक्र मत करना। और इसी वजह से मेरी दोस्त आज देख नहीं पाती। तो तुम्हें इस कहानी से क्या सीख मिली दोस्तों? कि तुम्हें कभी भी प्रकृति को चुनौती नहीं देनी चाहिए। समझ गया, आज के दिन मैंने बहुत कुछ सीख लिया। अवश्य तुम्हें और भी बहुत कुछ सिखा सकता है सिम्बा, वो मुझसे भी कहीं ज्यादा जानता है। तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। चलता हूँ। सिम्बा, अगर तुम चाहो तो हम माँ के घर तक दौड़ लगा सकते हैं। ठीक है, मैं तैयार हूँ। चलो चलो चलो, मुझे घर जाना है, भूख लगी है। तुम कभी हमारे साथ क्यों नहीं खेलते? ओह, तुम लोग आ गए, मुझे बहुत चिंता हो रही थी। माफ करना माँ, पर आज हमने बहुत कुछ सीखा। किम्बा, मैं यहाँ तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता, मुझे बहुत कुछ सीखना है जंगल और इसके प्राणियों के बारे में। मैं हर दिन सीख रहा हूँ। हमें तुम्हारी याद आ रही थी सिम्बा। चलो खेलें। बक्षौर बेटा, तुम्हें क्या हुआ? उन बंदरों ने मिलकर मुझसे हाथापाई की। लेकिन क्यों? उन्होंने ऐसा क्यों किया? तुम अकेले थे क्या? मुझे सब कुछ बताओ। सिम्बा कहाँ था? मैं बगीरा के साथ था माँ, वो मुझे गन पहचानने का पाठ पढ़ा रहा था और शिकार करना। तुम आज शिकार सीखने वाले थे ना? कैसा रहा पहला दिन, तुम्हें अच्छा लगा? अच्छा था, पर मुझे अचानक से एक आभास हुआ कि बक्षौर किसी मुसीबत में है और उसे मेरी मदद चाहिए। चलो अच्छी बात है, तुम्हें आभास हुआ,
हाँ, मैंने उसे यही बताया। हमारा सिम्बा काफी चौकन्ना रहता है। बाकी पांच इंद्रियों से पहले वो अपनी छठी इंद्री का इस्तेमाल करता है। हाँ, उसने मुझे बताया। तुमने उसे सूंघ कर शिकार करना सिखाया। तुम बिल्कुल अपने पिता की तरह बनोगे, मददगार और दयालु। बगशॉट, तुम डर गए थे क्या? बंदरों ने मुझे बहुत परेशान किया। अबरू, तुम सब जाओ और एलेक्स को साथ लेकर आओ। बगशॉट की मदद करनी है, जल्दी जाओ बच्चों। जी माँ। मैं इंतजार करूंगा, जल्दी वापस आना। वो ठीक तो हो जाएगा ना? बिल्कुल, घबराने की बात नहीं है। सच में? तुमने देखा बघेरा, ये बिल्कुल अपने पिता की तरह दयालु और समझदार है। और कितना आत्मनिर्भर। फिक्र मत करो, प्रकृति उसका ध्यान रखेगी। सिम्बा जीवन के बारे में सीख रहा है। उसके दोस्त इंद्रियों की सहायता से उसे शिकार करना सिखा रहे हैं। सबके साथ मिलजुल कर रहना और सबका आदर करना, ये सब कुछ सिम्बा को सीखना है। जब सिम्बा बड़ा होगा तो किस तरह दूसरों की भलाई करेगा, ये जानने के लिए देखते रहिए। तबाकी, मैंने तुम जैसा आलसी लकड़बग्घा कभी नहीं देखा। मैं नहीं, 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 आपसे कुछ भूल हुई होगी, मैं कैसे आलसी हो सकता हूं? कोई भूल नहीं हुई। उस सिम्बा से पीछा छुड़ाने के लिए आज तक तुमने एक उंगली भी नहीं हिलाई। कहाँ है वो? पता नहीं मालिक, पर उसके पास जाना मुश्किल है क्योंकि वो अकेला नहीं होता, ये जोखिम भरा है। जोखिम? तुम्हारा यहाँ बैठे रहना जोखिम भरा है, समझे? समझ गया। और आज से मुझसे किसी खाने की उम्मीद मत करना जब तक सिम्बा को नहीं लाते। मुझे फर्क नहीं पड़ता कितने जानवर उसकी रक्षा कर रहे हैं, तुम बस उसे ले आओ। और अगर तुम मुझ तक उसे पकड़ने की कोई योजना नहीं लाते तो तुम भी वापस मत आना, समझे? समझ गया हुजूर, मैं सिम्बा को यहाँ लाने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरे सामने खाली हाथ मत आना। जी, नहीं आऊँगा, देखिए मैं लेके आऊँगा। इस बेवकूफ के बच्चे पर विश्वास करना बेवकूफी है। लगता है मुझे ही सिम्बा को ढूंढना होगा। मैंने कभी कोई योजना नहीं बनाई, सिम्बा को पकड़ने के लिए मुझे किसी की जरूरत पड़ेगी। तबाकी, अब यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? लाल चीटियाँ, मुझे नदी पे जाना होगा। मैं यहाँ रहकर इनका ध्यान भटकाता हूँ और तुम निकल जाना। हाँ, फिर तुम मेरे निशानों का पीछा करते आ जाना। ठीक है। क्या तुम यहाँ से खिसकने वाले हो? माँ ने साथ में खेलने को कहा था। चलो भी सिम्बा, मैंने एक मजेदार खेल सोचा है। ठीक है, बताओ कौन सा खेल है। बगशॉट, तुम क्या कर रहे हो? जाओ। हाँ हाँ। ये बगशॉट कहाँ चला गया? शायद उसके पेट में दर्द है। गंध है? पता नहीं, शायद यहाँ से आ रही है। लगता है यहाँ से आ रही है। ये सही समय है यहाँ से गायब होने का। उन्हें पता भी नहीं चला कि मैं वहाँ से निकल गया। वो अब वही है। चलो भागो। तुम दोनों, ये बहुत नाइंसाफी है। अरे सिम्बा कहाँ गया? अभी तो यहीं था। हाँ, ये दोनों कितना मजा करेंगे। सिम्बा चला क्या? हमें भी साथ ले चलता, सब दो लोग मिलकर क्या करेंगे? अब तक तो हमारी बहुत दूर निकल गया होगा। वो कहीं मुसीबत में ना पड़ जाए। चलो बताते हैं। मुझे वैसे भी भूख लगी है। आज चलो। ये तो तबाकी है, ये हमारी तरफ क्यों आ रहा है? अरे नीचे
आओ, मुझे तुम लोगों से कोई खुफिया बात करनी है, जल्दी आओ, जरूरी है। मुझे इस पे विश्वास नहीं है। मालिक ने भेजा है शेर। मुझे भी नहीं, मैं जाकर सरदार को बुला लाता हूँ। जल्दी बताओ तुमको क्या चाहिए। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। शेर खान ने मुझे सिम्बा को पकड़ने का काम दिया, समझे तुम? अरे जानता हूँ मैं सिम्बा कौन है। अगर मैं जल्दी से जल्दी उसे शेर खान तक नहीं ले गया तो मैं नहीं बचूंगा। अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी मदद करें तो तुम्हें ये बहुत महंगा पड़ेगा। सरदार इसे मना कर दो, याद है ना सिम्बा की रखवाली बघीरा कर रहा है। मत मारो, मुझे मत मारो, मत मारो, मत मारो, मत मारो, मत मारो मुझे। ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे तबाकी। सच में शुक्रिया। पर इसके बदले में तुम्हें मालिक के सामने हमारा गुणगान करना होगा। मैं वादा करता हूँ उसे पकड़ने का आधा श्रेय तुम्हें मिलेगा। ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे तबाकी। तो बात पक्की हो गई, हम सिम्बा को पकड़ेंगे तबाकी के लिए। मुझे पूरा यकीन था तुम मेरी मदद करोगे। बक्शॉट, सुनकर लग रहा है जैसे तबाकी यहीं आसपास है। हाँ, ऐसा करते हम घर वापस चलते हैं। उस बेवकूफ तबाकी का हमसे क्या मुकाबला, चलो। मुझे ये गंध बिल्कुल पसंद नहीं। कैसा खतरा? मुझे तबाकी की गंध आ रही है। तुम सही कह रही हो। समझ नहीं आता वो क्या करने वाले हैं। चाहे जो भी करे पर अच्छा नहीं करेगा, ऐसा यकीन है। लगता है बच्चे आ रहे हैं। चमेली ढूंढने जाने वाले थे। मैंने उसे कहा था कि साथ रहना, फिर भी कहीं चला गया। फिलहाल तुम सब यहाँ घर पर थोड़ा आराम करो। सिम्बा और बक्शॉट का क्या? वो लगता है मुसीबत में है, हमें उन्हें ढूंढना होगा। तबाकी के यहाँ होने का मतलब खतरे की घंटी है। का मैं भी साथ चलूं? नहीं, तुम्हें बच्चों के साथ यहीं रुकना होगा। हो सकता है तुम्हारे जाते ही वो यहाँ आ जाए। तुम्हारा यहाँ रहना जरूरी है। तुम यहाँ पर का? सच बताओ, क्या तुम फिर से शिकार करने निकले हो? नहीं, दरअसल सिम्बा और बक्शॉट कहीं गायब है, मुझे उन्हें ढूंढना है। तुम्हें यकीन है कि वो कहीं गायब है? ये कोई मजाक तो नहीं है ना? हो सकता है, पर तबाकी आसपास घात लगाए बैठा है। वो तो शेर खान का साथी है ना? हाँ। ओ, मैं भी उन्हें ढूंढने में मदद करता हूँ। जल्दी काँ, काँ, काँ। और अपनी नजर जरा बंदरों पर भी रखना, तबाकी अपने बुरे कामों के लिए उनकी मदद लेता है। उनका पीछा करना चाहिए, उस तो गड़बड़ है। लगा के गए होंगे, तुम्हें इसे निकालना होगा। जल्दी करो, दर्द हो रहा है। पता है। क्या तुम इसे खोल सकते हो? कोशिश करता हूँ। संभल कर। बंदर यहाँ, वो इतनी दूर कभी नहीं आते, जरूर हमारा पीछा कर रहे होंगे। मैं जल्दी जाकर किसी से मदद मांगता हूँ। चलो चलो, ये क्या हो रहा है?
देखो मुझे माफ करना, मुझसे नहीं खुल रहा। हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा बकशॉट। ये तो सिम्बा और उसका दोस्त है। चलो सबको बताएं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो हमारा पीछा कर रहे हैं? मुझे लग रहा है कि वो जा रहे हैं और दूसरों को लेकर आएंगे। हमें उन्हें गुमराह करना होगा बकशॉट। हमारे काम आने वाली कोई चीज देखो ताकि उन्हें लगे कि हमें इंसान लेके गए हैं। नहीं लगता कि हमें पहले यहाँ से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं, इसके लिए समय नहीं है, वो यहाँ आते ही होंगे। हो सकता है शिकारियों ने यहाँ कोई हथियार छुपाया हो। रुको मैं देख कर आता हूँ सिम्बा। कोशिश करके देखता हूँ। आने से पहले मुझे कुछ ना कुछ ढूंढना होगा। शिकारी का तीर, बहुत बढ़िया। ये क्या है? ये तीर है। क्या? शिकारी का तीर। इंसान इससे जानवरों को पकड़ते हैं। ये तो कितना नुकीला है। हाँ, वो पास आ गए हैं। मैं मरने का नाटक करता हूँ, तुम रोने का नाटक करो ताकि उन्हें विश्वास हो जाए। हाँ समझ गया, मैं जोर से रोता हूँ। ये क्या हो रहा है? सिम्बा, हमारा काम शिकारी ने कर दिया। चलो। हाँ लगता है काम बन गया। चलो, काम बन गया। वो जाकर सरदार को बताएंगे और सरदार तबाकी को। हाँ और तबाकी शेर खान को। उम्मीद है कि हमारे दोस्त हमें ढूंढ रहे होंगे। सरदार, सरदार, सिम्बा मिल गया है और शिकारी भी। पर उसका दोस्त अभी भी ठीक है। अरे वाह, ये हुई ना बात। अभी तबाकी को बताता हूँ। हो गया? नो, शुक्रिया भी नहीं। तुम्हारे लिए एक दुख भरी खबर है। मेरे जीवन में वैसे भी बहुत दुख है। खैर सुनाओ, क्या खबर है? क्या मेरे भरोसेमंद साथियों ने तुम्हारी कीमती सिम्बा को ढूंढ लिया है? क्या, कहाँ है वो? तालाब के किनारे, खून से लथपथ पड़ा है। सच में? ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें पूरा विश्वास है? अब मैं क्या करूँगा सरदार? शेर खान डरा और होगा, मैं तो गया। उस बकशॉट को रोता देख के तो मजा ही आ गया। मैं रो नहीं रहा हूँ। ठीक है, रो तो रो। हाँ बिल्कुल सही था, तबाकी और बंदर कोई खिचड़ी पका रहे हैं। अब भूल जाओ कि तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिलेगा, क्योंकि तुमने अपना काम ठीक से नहीं किया है। शेर खान को सिम्बा चाहिए था। शेर खान को पूरी खबर सुनना पसंद है। हो सकता है सिम्बा जिंदा हो, तुम खुद ही जाकर क्यों नहीं देखे? मेरे साथी तुम्हें वहाँ तक लेकर जाएंगे। हाँ चलो आओ। आ जाओ। मेरे ख्याल से सिर्फ बगीरा ही खोल सकता है इसे। रुको मैं उसे लेकर आता हूँ। नहीं, मेरे साथ यहीं रुको बकशॉट। हाँ, तुमने सुना क्या? बंदर वापस आ रहे हैं। खामोश, सुनो, तबाकी है। अगर उन्होंने पास आकर देखा तो हम क्या करेंगे? नहीं देखेंगे, तबाकी बहुत बड़ा बुजदिल है। और हमें दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। जल्दी से तीर वापस वहीं रख दो जहाँ था, और जैसे ही वो पास आए इसे बाहर निकालकर जहरीले होने का नाटक करना। इतना उन्हें डराने के लिए काफी होगा।
बल्लू यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, मैं अभी उसे खबर देता हूँ। वो देखो, वो देखो। कहाँ? दिख गया। जाओ जाकर उसे यहाँ ले आओ। नहीं जनाब, वहाँ शिकारी हो सकते हैं। तो क्या हुआ? वो जा चुके हैं। शेर खान की याद करो। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक मेरी गोश्ती चलेगी। अब जाओ ले आओ उसे। हमारा काम तुम्हें यहाँ तक लाना था, इसके आगे हम नहीं जाएंगे। जवान लड़ाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम लोग यहाँ मेरे इलाके में क्या कर रहे हो? यहाँ आने का मतलब है तुम्हारी माँ कंधे बंदरों। भागो, चलो यहाँ से। बल्लू आ गया, अब हम सुरक्षित हैं सिम्बा। बढ़िया। लगता है तुम बंदरों ने खा खा कर वजन बढ़ा लिया है। मुझे मोटे ताजे बंदर पसंद है, मजेदार और स्वादिष्ट। आज मैं तुम बंदरों को और उस तबाकी को छोड़ूंगा नहीं। बताओ वो तबाकी कहाँ है? बगीरा, तो यहाँ देखकर अच्छा लगा। कितना कितना अच्छा मौसम है ना। मेरी बात सुनो, मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है। तुमने कभी अपने जीवन में सच्चाई का सामना किया है? झूठा कहीं का? गद्दार! मेरा पंजा! विश्वास नहीं होता, बुरे लोग और तुम डरपोक बंदर। अभी तो मैं जा रहा हूँ पर मैं भूलूंगा नहीं। अब मुझे भी भागना होगा। भगीरा और का तुम्हें छुड़ा लेंगे। बढ़िया। हाँ, उन्हें देखकर अच्छा लगा। तुम दोनों को देखकर अच्छा लगा। मैं तुम दोनों को ढूंढने जाने वाला था, पर सिम्बा चाहता था कि मैं यहीं रुकूं। हमने इसे छुड़ाने की बहुत कोशिश की पर ये मजबूत है। हाँ, ये तुम्हारे बस की बात नहीं थी। तुम्हें लगता है तुम इसे खोल पाओगे बगीरा? लगता तो यही है, पर इसके लिए मुझे बहुत ताकत लगानी होगी, जिससे तुम्हें थोड़ा दर्द भी हो सकता है। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा सिम्बा। फिक्र मत करो बच्चे, हम आ गए हैं, अब तुम सुरक्षित हो। तैयार हो? फिर से कोशिश करता हूँ। गहरी सांस लो सिम्बा, इससे तुम्हें मदद मिलेगी। ये बहुत ज्यादा मजबूत है, समझ गया। अपना पैर बाहर निकालो। बहुत बढ़िया, निकल गया। तुम जल्दी ठीक हो जाओगे सिम्बा। काओ, काओ। तो तुमने उसे जाल से बाहर निकाल ही लिया? क्या बात है बगीरा, बाकी सब भी आ रहे हैं। मैं एलेक्स को लेकर आता हूँ। सिम्बा, तुम ठीक तो हो ना? हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी। तुम
तुम चले क्यों गए थे वहाँ से? अच्छा हुआ तुम मिल गए। वो अब ठीक है। तुम्हारे पैर को क्या हुआ? शिकारी के जाल में फंस गया था, पर एलेक्स इसे ठीक कर देगी। तुमने सच में बंदर और तपाकी को बेवकूफ बनाया। हमसे गलती हो गई, हमें अकेले कभी यहाँ नहीं आना चाहिए। हाँ वाकई। वैद्य जी आ गई हैं। क्या बात है, इतनी जल्दी? शुक्रिया। अब इसे तुम देखो। तुम्हारी मदद चाहिए। कैसे हो सिम्बा? काओ ने बताया तुम्हारे बारे में। हाँ, तुम्हें इस पत्ती को चबाकर गटकना होगा, इससे तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। तुम्हें पता है ना, मुझे पत्तियाँ बिल्कुल पसंद नहीं। बिल्कुल अपने पिता की तरह। सिम्बा, वो जैसा कहती है करो। बक्शा ठीक कह रहा है, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। क्या तुम उसके पैर पर पत्ती बांधोगी? हाँ हाँ सिम्बा, मैं ये पत्ती तुम्हारे पैर में बांधूंगी ताकि घाव भर जाए। संभल के, दर्द हो रहा है। याद है ऐसा ही जब कुछ तुमने मेरी पूंछ पर भी बांधा था। हो गया, अब ठीक है। वो ठीक से चल पाएगा ना? जरूर, लेकिन हर कदम इसे आराम से रखना होगा। ठीक है, हम इसका ख्याल रखेंगे। क्या तुम चल सकते हो? अरे वाह, अब हमारे साथ भाग कर दिखाना। ये देखो एक तीर। हाँ? शिकारी इसे भी यहाँ छोड़ गए। तीर, चाल, वो कब शांति से रहने देंगे? क्या तुम्हें भी चाल नहीं दिखा? हाँ, हम दोनों भाग रहे थे और सिम्बा देख नहीं पाया। हाँ? तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम चल सकते हो। मैंने तुमसे कहा था ना कि घास पर दौड़ते वक्त ख्याल रखना, तुमने नहीं सुना। नहीं, दरअसल तुमने मुझे सूरज को घूरने से मना किया था। अब हटो यहाँ से। मैंने तुमसे कहा था ना, मेरी नाक पर बैठने से गुदगुदी होती है। पर मुझे तुम्हारी आंखों में खुद को देखना अच्छा लगता है सिम्बा। कैसे हो तुम सब? यही है वो जाल जिसे सिम्बा को पकड़ा था, लेकिन ऐसा तो जाल मैंने पहले कभी नहीं देखा। और तुमने? हाँ, मैंने ऐसा एक देखा है, पर इतना मजबूत नहीं। पूरी ताकत लगाने के बाद ये खुला। सही कहते हो बगीरा, लगता है इंसानों ने मजबूती के लिए कोई नया तरीका ढूंढ लिया है। अगर तुमने हिम्मत से काम नहीं लिया होता तो तुम मुसीबत में पड़ जाते सिम्बा। और अगर सच कहूँ तो काओ जब मुझे लेने के लिए आया था तो मैं इसकी पढ़ाई कर रहा था। जब शेर का बच्चा मुसीबत में अपनी असली ताकत और विवेक से काम लेता है, तभी उसका असली भाग्य चमकता है। इसीलिए वो जंगल का राजा कहलाता है। इसका मतलब हमें भी जंगल के तौर तरीके सीखने होंगे, हम सभी को। बिल्कुल सही, अब से तुम्हारी और बक्शॉट की पढ़ाई पर खास ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, बहुत हो गई मस्ती। आज के बाद बिना बताए कहीं जाने की जरूरत नहीं। अब सारे मजे खत्म हुए। हाँ, अब सारे मजे खत्म। देखना बच्चों, शिकार सीखने में मजा आएगा। चलो अब घर चलते हैं। चलो, भूख लगी है। हाँ हाँ, पर सिम्बा कैसे चलेगा? वो तो चल भी नहीं सकता। मुझे बताए। संभल के। जंगल के होने वाले राजा की सवारी बनना मेरी खुशकिस्मती है। चलो अब घर चलते हैं। नहीं, मेरी नाक पर नहीं। और मेरी भी नहीं। तुम्हें सच में लगता है कि ये बच्चा कभी जंगल का राजा बनेगा? ये लिखा हुआ है। मैं आपके पास आने ही वाला था मालिक, मुझे सिम्बा मिला था, कुछ शिकारियों ने उसका शिकार कर लिया। क्या तुमने अपनी आंखों से देखा? तुम्हें यकीन है? जी हुजूर, मैं वही था, वही था। अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो तुम्हारा खेल खत्म। आज आखिर सिम्बा और बक्शॉट ने सीख लिया कि जीवन में आपसी एकता से बढ़कर कुछ नहीं। हमें अपने दोस्तों पर भरोसा करना चाहिए, साथ ही मुसीबतों का सामना धैर्य से करना चाहिए। क्या सिम्बा जंगल का राजा बनने की शिक्षा ठीक से ले पाएगा? ये जानने के लिए देखते रहिए।